आज गौरीज किचन में बनने वाला है पनीर बटर मसाला। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज हम बनाएंगे पनीर बटर मसाला ऑथेंटिक टेस्ट एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में। और बनाना तो बहुत ही आसान है, इसके लिए आप ये वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। देखिए कि मैंने क्या क्या लिया और कैसे बना रही हूँ, तो आपका पनीर बटर मसाला एकदम बढ़िया ही बनेगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए इतने इंग्रेडिएंट्स, ये सब मैं बताऊंगी, जब बनाऊंगी तब आपको बताऊंगी कि मैंने क्या क्या लिया है। सबसे पहले हमने कढ़ाई ले ली, कढ़ाई में हमने ऑयल लिया, ऑयल एक छोटी चम्मच। अब हम इसमें डालेंगे बटर, बटर को मेल्ट होने देंगे। पनीर बटर मसाला कहाँ है तो बटर तो चाहिए। आप बटर में भी बना सकते हो, लेकिन ऑयल के साथ ही आप बनाइए। डायरेक्ट आप बटर लोगे तो हमारा बटर जल सकता है, इसीलिए ऑयल के साथ हमेशा आप लीजिए। अब इसमें डालेंगे हम अजवाइन। अजवाइन को हम ऐसे इस तरीके से रगड़ के इसमें डालना है, बिल्कुल इससे इसका फ्लेवर है ना बहुत ही अच्छा आएगा। अब ये जो इलायची है, इलायची लिया हम, इलायची को ऐसे तोड़ के ही डालेंगे, अक्खी इलायची नहीं डालना है। इससे भी इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, टेस्ट इसका बहुत अच्छा आता है। अब हम इसमें डालेंगे हींग, हींग डालेंगे। हींग डालने के बाद इसे अच्छे से होने देना है। अब डालेंगे हम इसमें एक प्याज, एक बड़ा प्याज लिया था उसका हमने पेस्ट बना के बना लिया था। अब हम प्याज डालेंगे और इसको अच्छे से हमें मीडियम फ्लेम पे ही भुनना है, लगातार हिलाते रहना है। अब इतना भुनना है, इसे 1 से 2 मिनट लगेंगे, इसका कलर चेंज होना चाहिए। इसी तरह से बहुत आसान है बनाना। अब एक बड़ी चम्मच हमने गार्लिक और जिंजर का पेस्ट लिया है, इसे भी हम अच्छे से भुनेंगे। अब डालेंगे 2 हरी मिर्च जो हमने लंबी काट ली थी। अगर आप मतलब इस तरीके से नहीं डालना चाहते तो आप इसका पेस्ट भी डाल सकते हो, लेकिन आप इस तरीके से डालिए, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इसका। अब डालेंगे हम इसमें टमाटर, हमने 2 टमाटर लिया था, इसका हमने पेस्ट बना लिया था, इसे भी डाल के हम अच्छे से भूनेंगे। इसे भी हमें 1 से 2 मिनट लगेगा भूनने में, इसका कलर चेंज होने तक हमें इसे भूनना है। देखिए ये थोड़ा सा ऑयल छोड़ने लग गया है। अब डालेंगे हम इसमें जीरा पाउडर, 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर। अब डालेंगे हम इसमें लाल मिर्ची पाउडर, 1 छोटी चम्मच। देखिए ये लाल मिर्ची पाउडर जो है ये कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, पानी इसलिए डालेंगे क्योंकि मसाला हमारा जलना नहीं चाहिए, इस तरीके से। अब डालेंगे हम सब इसमें डालेंगे काजू, काजू हमने 25 से 30 काजू लिया था, इसमें पानी डाल के हमने इसका पेस्ट बना लिया। बिल्कुल देखिए इतने पेस्ट लिया, पानी डालकर पेस्ट बनानी है। अब इसे भी हम अच्छे से भुनेंगे, बिल्कुल अच्छे से भुनना है, बिल्कुल कि इतना भुनना है कि इसका कलर चेंज हो जाए, इतना भुनना है हमें। अब हम और लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, वही कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये हम कलर इसका बहुत अच्छा आता है, मतलब हमें इसमें फूड कलर डालने की ज़रूरत नहीं है, इसी से इसका कलर देखिए कितना अच्छा है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसे भुनेंगे, बिल्कुल बहुत ज़्यादा एकदम स्टार्टिंग में पानी नहीं डालना है। देखिए इसका कलर कितना अच्छा आने लग गया है, देखिए। और थोड़ा पानी डालेंगे, मतलब लगभग 1 कप मैं इसमें पानी डालूँगी। अगर आप ग्रेवी थोड़ी पतली चाहते हो तो आप थोड़ा पानी बढ़ा सकते हो, डाल के भी इसे अच्छे से भुनना है। एक कप मैंने पूरा पानी डाल लिया इसमें, इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, हमारी जो ग्रेवी है एकदम रेडी है। देखिए इस तरीके से चाहिए हमें। अब इसमें डालेंगे हम 250 ग्राम पनीर लिया हमने, इसको हमने ट्रायंगल में काट लिया था। आप जैसा काटना चाहते हो, जिस शेप में काटना चाहते हो उस शेप में आप काट सकते हो। अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला। मैंने इसमें यहाँ पे पनीर को फ्राई नहीं किया है, डायरेक्ट ही पनीर लिया है। अब इसमें डालेंगे स्वादानुसार नमक,
अगर आप फ्राई करना चाहते हो पनीर को तो आप फ्राई भी कर सकते हो, मतलब आपको पसंद हो तो। कभी क्या हो जाता है कि पनीर जब भी कभी कोई बनाता है, कभी कभी हो जाता है कि उनका पनीर पानी छोड़ने लगता है। बहुत सारे लोगों का कंप्लेंट रहता है कि पनीर अगर फ्राई नहीं करते हो तो पानी छोड़ने लगता है, तो नहीं पानी नहीं छूटेगा। आप इस तरीके से बनाइए। अब हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी लिया, इसको भी हम ऐसे फिर रगड़ के डाल दिया है इसमें। देखिए हमारी अभी, इसे हम 1 से 2 मिनट के लिए होने देंगे, मतलब इतना होने देंगे कि जो मसाला है वो पनीर के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए, बिल्कुल उसका टेस्ट एकदम आ जाए पनीर में। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी और डालेंगे हम। ग्रेवी अगर आपको थोड़ी पतली चाहिए तो आप पानी की मात्रा बढ़ा सकते हो। ये देखिए अब इसमें मैं थोड़ा सा ही पानी डालूँगी, बस इतना पानी डालूँगी क्योंकि मुझे इसी तरीके से इसका ग्रेवी पसंद है। अगर आपको थोड़ा पतला चाहिए तो आप पानी डाल सकते हो। देखिए हमारी रेडी है। अब हम इसमें डालेंगे, ये मलाई है, घर की ही मलाई है, फ्रेश मलाई है। इसमें थोड़ी सी हम मलाई डालेंगे, थोड़ा सा दूध डाल के इसको आप थोड़ा सा कर दीजिए, फेंट लीजिए। अब इसमें डालेंगे हम नींबू का रस। ये नींबू का रस डालेंगे, इससे इसका जो टेस्ट है ना बहुत अच्छा आने वाला है। आप एक बार ज़रूर बनाकर देखिए इस तरीके से। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। देखिए अभी हमारी ये रेडी है। अब इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे सर्विंग के लिए। अब इसमें ऊपर से थोड़ा गार्निशिंग के लिए हरा धनिया डालेंगे, थोड़ा सा बटर। आप बटर थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने इतना ही बटर डाला है। अब थोड़ा सा हम जो मलाई था वो हम डालेंगे। देखिए कितना आसान है बनाना ये। आप एक बार ना इस तरीके से बना कर देखिए, और इसे आप गर्मा गर्म रोटी के साथ, पराठा, मिस्सी रोटी या सादी रोटी जो भी आप पसंद करते हो उसके साथ खाइए, बहुत ही अच्छा बनता है। ये बटर मैं थोड़ा नीचे डाल दूँगी। ये देखिए हमारी रेडी है पनीर बटर मसाला, एकदम टेस्टी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर कीजिए। थैंक यू।